Hello friends, welcome back to Black Box. Today we are going to create a new effect, and that will be looking like this. So just have a look at that. Maybe it's a laser impact or something like that. तो चलिए शुरू करते हैं. Okay, ये effect बनाने के लिए I will take a new composition. 128720 का एक न्यू कॉम्प लेते हैं. इफेक्ट बहुत इजी है का, बस ये कि बिगिनर्स के लिए शायद नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हम यूज कर रहे हैं, लाइक हम शेप लेयर की कुछ फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं और हम लूमा मैट हम यूज कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, और एक दो कुछ इफेक्ट्स भी हम यूज कर रहे हैं उसमें. तो जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं आफ्टर इफेक्ट्स, उन लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा. अदरवाइज बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए नहीं है, पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड लर्निंग आफ्टर इफेक्ट्स, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है. बट शॉर्ट जो है काफी इजी है. तो हमने एक कॉम्प लिया है, दैट इज 1200x720 का. ओके, मैं सेटिंग्स देख लेता हूँ एक बार फिर से. 1200x720 है, 25 फ्रेम्स पर सेकेंड का फ्रेम रेट है, और आपका 10 सेकेंड का टोटल ड्यूरेशन है, जिसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं. ओके, तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, लाइक मोशन डिजाइन. ओके, एक टेक्स्ट ले लेते हैं हम इसमें, और मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, कैप्स ऑफ, उसको थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, लाइक दैट. ओके, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, जिससे आप शायद ज्यादा अच्छी तरह से देख पाएंगे. इसको केवल मोशन करता हूँ, और इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस. ओके, और अलाइन पे जाता हूँ और इसको अलाइन कर देता हूँ. ओके, तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट है जिसके ऊपर ये इफेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं. ये इफेक्ट जो है आप टेक्स्ट के ऊपर ही नहीं, किसी भी चीज के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं. वो एक इमेज भी हो सकती है, या फिर वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, या कुछ और भी मे बी पार्ट हो सकता है किसी वीडियो का, तो वो सब पे काम करेगा. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं. तो दिस इज द टेक्स्ट, और हम क्या करते हैं इस पे, क्योंकि मुझे ये लेजर इफेक्ट बीम इफेक्ट दिखाना है, ठीक है, तो मैं उसके लिए एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ. So I will go in the pen tool, okay, and एक मैं क्रिस क्रॉस करके एक शेप लेयर क्रिएट करता हूँ. ओके, और उसे फिक्स भी कर लेता हूँ जैसे मुझे चाहिए. इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट. तो ये एक शेप लेयर है, शेप लेयर आपको पता है बन जाती है अगर आप कोई भी आपकी यहाँ पर लेयर सिलेक्ट ना हो, और आप ब्लैंक टाइमलाइन में जब भी आप क्रिएट करेंगे, चाहे पेन टूल से, चाहे यहाँ पर जाके आप मास्क से भी क्रिएट करेंगे, तो भी शेप लेयर ही बनेगा. ओके, और इसका साइज जो है वो हम रखते हैं मे बी 15 पिक्सल्स का, या फिर 20 पिक्सल्स का. ओके, ये हो गया आपके पास. एंड देन उसके बाद हम करते हैं कि इसमें एक इफेक्ट मैं यूटिलाइज करता हूँ. पहले मैं इसके लिए ल्यूमा मैट तैयार कर लेता हूँ, वो अच्छा रहेगा. इसका एक डुप्लीकेट भी मैं ले लेता हूँ पहले. ओके, चलिए कोई बात नहीं. पहले हमें इसके लिए क्या करता हूँ, इसमें एक शेप लेयर का ही मैं इसमें 12 में जाता हूँ, और 12 के अंदर मुझे यहाँ ऐड आप देख रहे हैं, इस ऐड के अंदर जब मैं जाऊँगा तो मुझे दिखाई देगा ट्रिम पाथ्स करके एक इसकी प्रॉपर्टी. उसके अंदर मैं जाता हूँ और मैं चाहूँगा कि इसकी प्रॉपर्टी हम ट्रिम पाथ्स यूज करेंगे. जब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो ट्रिम पाथ करता है क्या वो देखते हैं हम. 1 सेकंड के बाद ट्रिम पाथ को यूटिलाइज करते हैं. ओके, एक सेकंड तक मैं चाहता हूँ कि ये मोशन वाला इफेक्ट दिखाई दे एज इट इज, ठीक है. अब ट्रिम पाथ करेगा क्या वो देखते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ट्रिम पाथ करेगा क्या कि वो उसको ट्रिम करेगा, इसे ये देख रहे हैं आप, इसको ये ट्रिम करेगा. तो मैं चाहता हूँ कि ये जीरो पर रहे, ये जीरो पर रहे, तो एंड की वैल्यू मैं जीरो कर देता हूँ, और ठीक मैं जाता हूँ मे बी 5 फ्रेम्स पे. 5 फ्रेम्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड एरो. ओके, दैट इज मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड एरो, 1 2 3 4 5, और मैं इफेक्ट का कंप्लीशन चाहता हूँ 5 सेकंड में, 5 फ्रेम्स में, और इसको अब मैं 100 कर देता हूँ. ओके, तो ये जो आपका इफेक्ट होगा ये 5 फ्रेम्स में आपको दिखाई देगा.
ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि बुलेट जो है बहुत, ये लेजर बीम जो है बहुत तेजी से आता है, तो उसके लिए हम ये करते हैं अपन। और उसके बाद मैं करने जाता हूं, इसमें एक इफेक्ट मैं यूज करता हूं जो कि इसको थोड़ा सा रेंडमाइज कर देगा इसकी एजेस को, और उसके लिए मैं जाता हूं इफेक्ट पर, और यहां पर रफन एजेस करके एक इफेक्ट आएगा जो आप यहाँ पर रफ करके भी डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा। रफ एंड एजेस करके आप यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं हम इस लेयर के ऊपर, और हमारे पास क्या करेगा, ये थोड़ा सा एजेस को रफ कर देगा, कुछ नहीं। मैं स्केल पर जाता हूँ और स्केल की वैल्यू थोड़ी छोटी कर देता हूँ, लाइक दैट, इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। इसमें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि अगर बीम आए तो यहाँ से जो वो उसको कट करेगी मोशन को, तो उसमें थोड़ा सा रफ एजेस आ जाए, एंड दैट इज वाई आई एम यूजिंग दैट, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये वाला पार्ट आपका ऐसे आ गया। और अब मैं क्या करूंगा, इस लेयर को मैं एज ल्यूमा मैट मैं यूज करूंगा अपने टेक्स्ट के लिए, राइट। सो हम जाते हैं इसको और क्लोज करते हैं इसको, और इसको मैं यूज करूंगा एज ल्यूमा मैट। तो यहां पर आता हूँ, ये देख रहे हैं आप ट्रैक मैट लिखा हुआ है यहाँ पर, और इधर पर जाऊंगा मैं एज ल्यूमा इन्वर्टेड मैट की तरह मैं इसको यूज करूंगा। सो व्हाट विल हैपन कि मोशन को जहां पर भी आपका ये शेप लेयर थी वहां से वो ट्रांसपेरेंट कर देगा, ठीक है, और मोशन के साथ। ओके, तो अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो इफेक्ट आ रहा है अभी। मैं क्या करता हूँ, वर्क एरिया को छोटा करता हूँ, एंड आई विल सी हाउ इट इज लुकिंग। यहाँ पर आता हूँ और 100% में मैं इसको प्रिव्यू करके देखता हूँ। ओके, सो नाउ द इफेक्ट इज कमिंग लाइक दैट। ओके, अब मुझे इसको आगे बढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी शेप लेयर का एक मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ओके, एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, और अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ जिससे मैं देख पाऊँ कि मेरा क्या इफेक्ट आ रहा है। ये हमारे पास एक इफेक्ट है, ये वाला हमारे पास लेयर आ गई है। ओके, और इसके ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पर एक और इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सी सी पिक्सल पॉली, पिक्सल पॉली ऐसे एक इफेक्ट होता है, और इस इफेक्ट को लेता हूं मैं और इसको ड्रॉप कर देता हूं यहाँ पर, राइट। ये इफेक्ट करेगा, इस इफेक्ट को भी मैं चाहता हूं कि जब हमारी यहां से बीम जाती है तब वो उसमें वो इफेक्ट अप्लाई हो। मैं जाता हूं पिक्सेल पॉली में, और यहां पर जाकर मैं कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करता हूँ। पहली सेटिंग्स है आई डू नॉट लाइक एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर इट, तो मैं उसको खत्म कर देता हूँ। ओके, लेकिन ये इफेक्ट मैं चाहता हूँ 1 सेकंड के बाद, तो यहां पर हम टाइम दे सकते हैं, और 1 सेकंड में यहां पर देता हूँ जिससे वो 1 सेकंड में वो स्टार्ट करे, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये 100 ये इसको छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर देगा, और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ जिससे वो वाला फोर्स ना लगे, और चंक्स की वैल्यू को मैं छोटा कर देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड स्पेसिंग का जो वैल्यू है उसको मैं 5 कर दूंगा जिससे ये छोटे चंक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक से ज्यादा भी लगा सकता हूँ, बट यहाँ पर 10 वैल्यू में रखता हूँ, एंड दैट विल बी इनफ फॉर दैट, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये दूसरा पार्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां जाकर मैं मोशन वाले पार्ट को ऑन कर दूंगा। हमें पता है कि जब कोई भी लेयर एज ल्यूमा मैट यूज होती है या ल्यूमा इन्वर्टेड मैट की तरह यूज होता है तो वो क्या अपने आप वो स्विच ऑफ हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो मैट की तरह काम कर रहे हैं। एंड नाउ अब हम जाते हैं इस इफेक्ट में, 100% व्यू करते हैं इसको और इसको देखते हैं प्रीव्यू करके। ओके, सो दिस वॉज द शॉट फॉर टूडे, एंड दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। Bitches.